हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती है वो आती है डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि देखते हैं अभी हम डेंसिटी यानी कि क्या होता है। तो डेंसिटी यानी कि क्या होता है कि उसके डिपेंड होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर कोई एक समझो सब्सटेंस है तो उसका जो मास रहेगा और उसका जो वॉल्यूम, मतलब उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें मास और वॉल्यूम का प्रमाण कैसे रहता है, ज़्यादा रहता है। और लेकिन जैसे हम एयर की बात करें तो उसका डेंसिटी कैसे रहता है, तो बहुत ही कम रहता है। उसके बाद अगर इसका हम यूनिट देखें तो इसको लिखते हैं रो, ठीक है, और इसका फार्मूला रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। उसका देखो यहाँ पे डेंसिटी की उसने फिगर बताई है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट की क्या है, जो सॉलिड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आइस क्यूब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड में फेस ट्रांसफर कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड इज यूजुअली स्पेस टाइम ऑफ प्रेशर। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो ये बेसिकली डिपेंड रहता है प्रेशर के ऊपर। उसके देखो दिस आर द फिगर्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट यानी कि क्या होता है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हमें टेम्परेचर चेंज करना है तो उसके लिए एक हीट लगेगी, कि बिना हीट से हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। मान के चलो कि हमें अगर 1 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हीट भी लगेगी, तो उतनी अमाउंट की हीट यानी कि स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो है वो रहता है जूल या फिर केल्विन। मेटल्स हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन प्लास्टिक। और अगर मेटल की बात करें तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैसे रहती है, बहुत ही कम रहती है, क्योंकि मेटल्स को हीटअप होने के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। और प्लास्टिक की जो स्पेसिफिक हीट है वो मेटल से बहुत ही कैसे रहती है, कम रहती है, ठीक है। क्योंकि मान के चलो कि आपने दो चीज़ें ले, एक स्टील का रॉड लिया, प्लास्टिक का रॉड लिया, तो प्लास्टिक का रॉड जल्दी से पिघल जाएगा या फिर जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, और स्टील को पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए भी टाइम लगता है, ठीक है। उसका थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन में क्या आता है कि थर्मल एक्सपांशन इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन टेम्परेचर थ्रू हीट ट्रांसफर। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर हम हीट दे के अगर उसका वॉल्यूम हम चेंज करते हैं, ठीक है, मान के चलो कि आइस क्यूब लिया हमने, आइस क्यूब को अगर हमने हीट दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे, यानी कि वो एक्सपांड हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन। और इसका यहाँ पे फार्मूला भी दिया है उसने, जैसे IF यानी कि इनिशियल एंड फाइनल लेंथ होता है, उसका TF एंड TO यानी कि इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, और इसके बाद इसका रहता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, और इसका यूनिट रहता है 1/डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो एक्सपांशन यानी क्या है, एक्सपांड होना, किसी भी चीज़ को अगर आप हीट दोगे तो एक्सपांड हो जाएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उसको लिखते हैं हम 1/डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में। दिस इज द फिगर, ये रहेगा इनिशियल वॉल्यूम और इसके बाद में रहेगा वो फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इसका चेंज हो गया है। उसका थर्मल कंडक्टिविटी। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, ऑफन डिनोटेड बाय K, λ, or K। सो थर्मल कंडक्टिविटी क्या आती है, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, यानी कि एक मटेरियल में कितनी एबिलिटी है कि वो कितना हीट उसके अंदर से वो कंडक्ट करके ले जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक रॉड है, तो रॉड उसके अंदर हीट को ट्रांसफर करके ले जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। और उसको हम K से, लैम्डा से, या फिर स्मॉल K से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो आता है वैट पर मीटर इनटू केल्विन, ठीक है। हाई एनर्जी जनरेशन रेट्स विद इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्बाइन्स रिक्वायर द यूज ऑफ मटेरियल्स विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी सच एज कॉपर हीट एक्सचेंजर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। तो जो हीट एक्सचेंजर होते हैं उसमें थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल रहता है, क्योंकि वहाँ पे उनको हीट जो है वो ट्रांसफ़र करके लेके जाना पड़ता है 1 एंड से अनदर एंड, तो उसमें कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी फिगर। इसके अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेन यानी कि क्या आता है कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज नथिंग बट स्ट्रेन। यानी कि अगर एक मान के चलो एक रबर बैंड है, आपने उसकी जो लेंथ है उसको चेंज कर दिया, ओरिजिनल लेंथ से उसको चेंज कर दिया, तो जो चेंज इन डायमेंशन आ गया उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। उसका स्ट्रेस यानी कि क्या होता है, सो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस। अगर एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर फोर्स आ रहा है उसने एरिया के ऊपर,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। और इसका फार्मूला रहता है सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद रहते हैं स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यानी कि क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और यील्डिंग। स्ट्रेंथ यानी कि क्या कि ब्रेक मतलब अगर मान के चलो क्या एक मटेरियल है उसके ऊपर अगर फोर्स आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, तो ब्रेक नहीं होकर उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है। और स्टिफनेस यानी कि क्या, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। इसका भी लगभग मीनिंग सेम ही आता है, ये भी क्या करता है, अपोज करता है वो, यानी कि वो मटेरियल को डिफॉर्म नहीं होने देता है, यानी कि ब्रेक नहीं होने देता। उसके बाद इलास्टिसिटी यानी कि क्या होता है, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर डिफॉर्मेशन फोर्स। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर मान के चलो कि एक वैक्स है या फिर एक प्लास्टिक है, जैसे स्टील इज मोर इलास्टिक नहीं रबर, जैसे कि एक कुछ मटेरियल लिया आपने, आपने उसके अंदर फोर्स अप्लाई किया और बाद में फोर्स जैसे आपने रिमूव कर दिया, तो वो जो मटेरियल जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इसका प्लास्टिसिटी क्या कि अगर आपने उसके ऊपर अगर लोड अप्लाई कर दिया और लोड को रिमूव करने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल इन एबलिंग इट टू बी ड्रॉन इन टू वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो अगर एक रॉड है, एल्यूमिनियम का रॉड है, और आप उसको खींच के एकदम उसमें से एक वायर निकाल रहे हैं बाहर और वो ब्रेक भी नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, जिंक, इसकी डक्टिलिटी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आता है ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस यानी कि क्या आता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोजिट टू डक्टिलिटी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल विद लिटिल परमानेंट डिस्टोरेशन। यानी कि ब्रिटलनेस यानी कि क्या कि कोई मटेरियल है जो जल्दी से टूट जाता है, जैसे कि ग्लास नीचे गिरते वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। उसके बाद मेलेबिलिटी, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट मटेरियल टू बी रोल और हैमर इन टू थिन शीट। यानी कि आप इसको मटेरियल को कितना भी आप हैमर करके, रोलिंग करके आप इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको कौन सा भी शेप दे सकते हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। सो लीड्स, ऑक्सीजन, ऑट, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी कैसे रहते हैं, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज में बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो लास्ट वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद अपना जो पहला चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।